हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका। ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो डेफिनेटली शेयर करें। कम्प्लीटली आपका चॉइस है शेयर करना है तो, बट दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। मैं चाहती हूं कि कुछ लोगों के दिमाग में जो भूसा है ना, वो थोड़ा सा साफ करे। बहुत ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, दिमाग चल नहीं रहा है लोगों का शायद। सो एक इंसिडेंट आज मुझे सुनने को मिला एंड सुन के मुझे इतना गुस्सा आया मेरा। अगर मैं इस वक्त घर पे नहीं होती ना, तो मैं डेफिनेटली तो उसका सर फोड़ के आती। बट क्या करें, 8 दिन हो गए मैं और मेरे हस्बैंड पंकज, हम दोनों क्वारंटीन है। हम लोगों को कोविड पॉजिटिव हम लोगों को पकड़े गए एंड तब से अभी तक हम लोग घर पे हैं। सो कुछ इंसिडेंट पहले मैं शेयर करना चाहूंगी जो हमारे साथ घटे। संडे का दिन था, संडे मीन्स रात के टाइम पे मुझे सिम्टम्स पकड़े गए। लाइक मुझे बुखार हुआ। नॉर्मली मैं जब से गोवा शिफ्ट हुई हूँ, ये साल 9 इयर्स कंप्लीट होगा, मुझे आज तक बुखार नहीं आया गोवा में। बहुत सारी चीजें हुए, पेट दर्द, हाथ दर्द, पता नहीं लूज मोशंस, बहुत कुछ, बट बुखार नहीं। सो पहली बार जब मुझे बुखार हुआ तो तब मुझे डाउट हुआ। इवन पंकज को भी कुछ सिम्टम्स पकड़े जा रहे थे, उसको भी समझ में आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि मंडे को हम लोग अपना टेस्ट करवाने जाएंगे। सो जब हम टेस्ट करवा के वापस आए, हमारा एक फ्रेंड था जो नीचे था हमारे अपार्टमेंट के नीचे, एंड वो हमसे बात करना चाह रहा था, पर हमने उसको रोका, इशारे से रोका। फिर हमारे जो विंडो है उसका विंडो का जो कांच है उसको नीचे करके चिल्लाकर हमने कहा कि हम टेस्ट करवा के आए हैं, सो वी डोंट नो वेदर हम लोग हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो हमारा काम क्या था कि हमने इन्फॉर्म किया। शाम तक हमें रिपोर्ट हमको मिला और हमें पता चला हम पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे हम जहां जहां गए, जिन जिन लोगों से मिले, हमने सबको कॉल करके हमने सतर्क किए, हमने इन्फॉर्म किया कि देखो भाई हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है, ऐसा ऐसा है, तुम लोगों से मिले तो प्लीज अपना ख्याल रखो। सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इवन हम ऐसे जगह पे गए, एक जगह पे चाय पीने गए, वहां पे वहां का किसी का भी फोन नंबर हमारे पास नहीं था, तो हमने किसी और को कॉल किया जिसके थ्रू हमें वो एड्रेस मिला था, वो चाय का स्टॉल, उनको हमने कॉल करके कहा कि देखो भाई हम वहां पे गए थे, क्योंकि हमें पता चला कि हमारे दोस्त का ही वो भी मतलब जो चाय का स्टॉल है वो भी दोस्त है, तो हमने उनको कहा कि हम वहां पे गए थे, प्लीज उनको इन्फॉर्म करो। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम सबको इन्फॉर्म करें जिन जिन लोगों से हम मिले। तो आज क्या इंसिडेंट हुआ, हमारा एक दोस्त, मेरे और पंकज का एक दोस्त, वो एक बच्चे के साथ वो किसी के घर गए कुछ पूछने के लिए फॉर 2 मिनट्स। पूछने के बाद जब घर वापस आए, बाद में उन्हें पता चला कि उस घर में ऑलरेडी पॉजिटिव केस है। माय पॉइंट इज, अगर आपको आपने टेस्ट करवाया है, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि आप उस इंसान को इन्फॉर्म करो कि देखो भाई मैंने अपना टेस्ट करवाया है, मुझे नहीं पता मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव, प्लीज दूर रहिए, अगर आपको कोई बात करनी है तो दूर से करें, या आपको मैं फोन नंबर दे देता हूं उस पर आप कॉल कीजिए, जो बातें होंगे फोन पे करेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते थे, ऐसा कोई भी कर सकता है। सो ये जो चीज जो लोग अपने दिमाग में रख रहे हैं कि इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट आए या ना आए, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, और ये हर एक इंसान को जानने का हक होता है। जब हमने ये चीज रिवील किया कि हम पॉजिटिव है, तो हमें कितने लोगों ने डांटे, कहां था ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, क्या बोलते हैं, मास्क पहनो, जितना हो सके सैनिटाइज करो, घर के बाहर मत जाओ, पर फिर भी वो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं। इतना गाली गलौज करने के बाद भी हमारे लिए प्रे करते हैं कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और भगवान की कृपा से हम ठीक भी हो रहे हैं। पर जिनका रिपोर्ट आ रहा है पॉजिटिव हो या जो भी है, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम दूसरों का ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। और ये जो एक वायरस है जो कितने लोगों का जान खा चुका है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मर रहे हैं, और आप इन चीजों को इतने मजाक में ले रहे हो, मस्ती में ले रहे हो, नॉट फेयर। प्लीज ख्याल खुद का भी रखो, उसके साथ साथ दूसरों का भी रखो।